हेलो स्टूडेंट, आज अपने कक्षा 12 के प्रथम इकाई में अध्याय 4 का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। इस इकाई में अभी तक अपने विद्युत क्षेत्र, गाउस का नियम व उसके अनुप्रयोग और विद्युत विभव और विद्युत ऊर्जा का अध्ययन किया था। इसी क्रम में जो आगे का इसका जो भाग है वो विद्युत धारिता है। अगर अपने धारिता शब्द से तात्पर्य लें तो इसका मतलब किसी चीज़ का आयतन हो सकता है। जैसे कहा कि अपने पास कोई पानी का मटका है जिसका आयतन 5 लीटर है, तो उसमें 5 लीटर आयतन अपने आ जाएगा। इसी प्रकार कोई चालक है, वो चालक आवेश ग्रहण करता है, उसके आवेश ग्रहण करने की जो एबिलिटी या क्षमता है उस एबिलिटी को अपने धारिता बोलते हैं। जैसे अपने कोई चालक है उसमें पहले से ही प्लस माइनस आवेश उपस्थित होते हैं, दोनों तरह के आवेश होते हैं और इसे अपने और आवेश दे रहे हैं। और आवेश चाहे अपने प्लस दे रहे हैं चाहे माइनस दे रहे हैं, तो पहले से उपस्थित आवेश के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। कारण जैसे अपने कह दिया अपने प्लस आवेश दे रहे हैं, तो पहले से जो प्लस आवेश उपस्थित है वो इस आवेश को प्रतिकर्षित करेगा। प्रतिकर्षित करेगा तो बाह्य स्रोत के द्वारा कार्य होगा। अब मान लेते जैसे आवेश प्लस यहाँ आ गया, अब पहले से आवेश बढ़ गया, अब और प्लस देंगे तो और ज्यादा कार्य करना पड़ेगा। इस तरह जो बाह्य स्रोत के द्वारा कार्य किए जा रहे हैं वो इस निकाय की विद्युत स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित होगा और इसके विभव के अंदर वृद्धि होगी। अब अपनी धारिता को सामान्य शब्दों में तो ये कह दिया कि चालक द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्षमता को विद्युत धारिता कहते हैं। फिर अपने कह देंगे चालक को क्यू आवेश देने पर विभव में वृद्धि वी हो तो अपने पास ये आ जाएगा क्यू समानुपाती वी। समानुपाती जिन्हें हटाएंगे या सी लिखेंगे, जहां सी चालक की धारिता, इंग्लिश में से अपने कैपेसिटेंस बोलते हैं। C को अपने लिखेंगे क्यू बटे वी। अब अपने ये ले लेंगे यदि V बराबर 1 वोल्ट हो तो C बराबर क्यू होगा। कई बार क्या था, जैसे धारिता की परिभाषा है तो ज्यादातर स्टूडेंट इस परिभाषा पर लिख देते हैं आवेश ग्रहण करने की क्षमता को विद्युत धारिता कहते हैं। अपने को इसकी मार्किंग मिलना मुश्किल है। अपने जो मार्किंग मिलती है वो इस गणितीय परिभाषा के आधार पर मिलती है। अब जैसे अपने लिखते हैं V 1 वोल्ट और C बराबर Q है, तो धारिता की परिभाषा ये बनेगी किसी चालक की धारिता आवेश की उस मात्रा के बराबर होती है जो चालक के विभव में इकाई वृद्धि करती है। अगर इसको अपने लिखें अर्थात चालक की धारिता आवेश के उस मात्रा के बराबर होती है जो चालक के विभव में इकाई वृद्धि करता है। इस डेफिनेशन के अपने को मार्क्स मिलते हैं भी धारिता उस आवेश के बराबर है जो विभव में इकाई वृद्धि करते हैं अपने। तो ये अपने धारिता थे। अगर अपने धारिता की बात करते हैं तो ये धनात्मक अदिश राशि है, इसका मान कभी भी माइनस नहीं होगा, इसका मान सदैव अपने पास क्या होगा, प्लस होगा। तो जब इसमें अपने लिखें धारिता धनात्मक अदिश राशि है, नंबर एक। दूसरा, धारिता पदार्थ के
के आकार, आकृति, अन्य चालक की उपस्थिति, तथा अन्य माध्यम की उपस्थिति पर निर्भर करती है। जैसे अपने पहले वाला आकार, इस पार्ट के अंदर अपने समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता लेंगे ए एप्सिलॉन जीरो बटे डी। ये क्षेत्रफल है, ये प्लेटों के बीच की दूरी है और ये निर्वात की विद्युत शीलता है। तो क्षेत्रफल के समानुपाती है, आकार जितना बड़ा होगा क्षेत्रफल जितना ज्यादा होगा धारिता का मान उतना ही ज्यादा आएगा। तो ये पहली निर्भरता है। दूसरा हमने लिख दिया आकृति। जैसे समानांतर प्लेट संधारित्र में तो अपने लिख दिया ए एप्सिलॉन जीरो बटे डी है। फिर दूसरा अपने गोलीय संधारित्र होता है तो उसकी जो धारिता होती है वो अपने पास होती है के आर वन आर टू, आर टू माइनस आर वन, या आर वन आर टू बटे एक बटे चार पाई एप्सिलॉन जीरो आर टू माइनस आर वन। तो ये उसकी आकृति पे निर्भर कर रही है। फिर लिखा अन्य चालक की उपस्थिति पर। जैसे एक चालक ऐसे अपने प्लस आवेश दे दिया, इसके पास अनावेश चालक रख दिया तो प्रेरण से यह माइनस आएगा, बार वाले हिस्से पे प्लस आएगा। अब बार वाले हिस्से को अपने भू संपर्कित कर दे तो बार वाला आवेश सारा पृथ्वी में चला जाएगा, सिर्फ यह माइनस बचेगा अपने। ये माइनस आवेश इस चालक के विभव में कमी करेगा, विभव में कमी होगी तो धारिता का मान क्या होगा, बढ़ेगा। तो अन्य चालक की उपस्थिति और अन्य माध्यम की उपस्थिति पर। जैसे ये समानांतर प्लेट संधारित्र है अपने, तो इसकी धारिता इतनी है निर्वात के अंदर ए एप्सिलॉन जीरो बटे डी। अब मैं इसके बीच में कोई माध्यम भर देता हूँ, प्राविद्युत पदार्थ एप्सिलॉन आर। तो इसकी जो धारिता है सी एम वो हो जाएगी ए एप्सिलॉन जीरो एप्सिलॉन आर बटे डी। ये अपने सूत्र इस पाठ के अंदर प्रूफ करेंगे। तो सी एम ए एप्सिलॉन जीरो बटे डी को अपने सी जीरो लिख सकते हैं। तो अन्य माध्यम की उपस्थिति में धारिता निर्वात की धारिता से एप्सिलॉन आर गुना ज्यादा होगी। अभी तक तो इस पाठ के अंदर अपन बोल रहे थे बल कम हो रहा है, जो पहले के पाठ में बोला था तीव्रता कम होती है, फ्लक्स कम होता है, ऊर्जा कम होती है, विभव कम होता है, लेकिन अन्य माध्यम की उपस्थिति में धारिता का मान क्या होता है, अपने ज्यादा होता है। तो ये इसके चार निर्भरताएं हैं। फिर अगर इसका अपने एसआई मात्रक लें, इसका एसआई मात्रक फैराड है, एफ से दर्शाते हैं इसे अपने। सीजीएस मात्रक स्टैटिक फैराड, और जो एक फैराड है वो 9×10^11 स्टैटिक फैराड के बराबर होता है। फिर अभी अपने सूत्र लिखा था C बराबर क्यू बटे वी। इस उत्तर से लें तो एक फैराड एक कूलाम प्रति वोल्ट होता है। अब एक चीज है, जो फैराड है वो बहुत बड़ा मात्रक है। जैसे अपने पहले पाठ में बोला था कूलाम बहुत बड़ा मात्रक है, तो उसी प्रकार फैराड भी बहुत बड़ा मात्रक है। तो जब अपने को किताबों में न्यूमेरिकल दिए जाते हैं तो उसमें जैसे धारिता का ऐसे लिख दिया जाता है मान 2×10^-11 फैराड, या ये लिख देते हैं 15 माइक्रो फैराड, या ये लिख देते हैं अपने पास 20 पिको फैराड या 18 नैनो फैराड, इस प्रकार लिखे जाते हैं, छोटे मात्रक लिखे जाते हैं। भी अब फैराड बड़ा मात्रक है, इसको अपने एक उदाहरण से समझें। अभी अपने इस उत्तर लिख रहे थे ए एप्सिलॉन जीरो बटे डी, इससे ए का मान सी डी बटे एप्सिलॉन जीरो। अब मान लेते हैं किसी चालक की धारिता एक फैराड है और उसकी प्लेटों के बीच की दूरी एक मीटर है, तो ए का मान आएगा 1×1/ε0। तो एप्सिलॉन जीरो का मान होता है अपने 8.85×10^-12। इसे हल करेंगे तो ये 1.13×10^11 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। इसको अगर अपने किलोमीटर में बदलें, जैसे भी 1 किलोमीटर जो है अपने 10^3 मीटर है,
अपने यहाँ वर्ग मीटर ले रहे हैं तो एक वर्ग मीटर है वो 10^-6 किलोमीटर² होगा, इसमें से -6 घात कम कर दें तो 1.13 × 10^5 वर्ग किलोमीटर। तो इतना बड़ा क्षेत्रफल की प्लेट लेना असंभव है, इतना बड़ा अपने क्षेत्रफल नहीं ले सकते। तो इस कारण जो धारिता के मात्रक है वो फैरड ना लेके मिली माइक्रो नैनो या पिको फैरड लिया जाता है। तो ये ध्यान देने योग्य बात है, आपको प्रश्न मिले या आपको उसके अंदर डायरेक्ट आपको उत्तर निकालना है तो वो मान फैरड में कम ही आएगा, आपका मान मिली माइक्रो नैनो पिको फेमटो इनके अंदर ही आएगा। ये अपने धारिता के मात्रक थे। फिर अपने अभी बोला कि वो समानुपाती वी है, अपने वी और क्यू में ग्राफ बनाए तो ये सीधी रेखा है। चाहे क्यू और वी ऐसे ले ले तो भी ये ग्राफ सीधी रेखा आएगा मूल बिंदु से जाता हुआ। क्यू वी ग्राफ का ढाल, इस ग्राफ का अगर अपने ढाल लेते हैं तो डाल के लिए होता है y अक्ष की राशि बटे में x अक्ष की राशि, तो q बटे v अपने लिखते हैं, q बराबर c v तो c बराबर q बटे v, तो q में v का भाग देंगे तो अपने धारिता है c बराबर n थीटा dq by dv, इस ग्राफ का डाल तो धारिता है। इस ग्राफ में ले अपने तो ये 1/धारिता होगा या कह दें धारिता का व्युत्क्रम होगा। ढाल के लिए अपने लिखते हैं tan थीटा 1/c, तो c बराबर 1/tan θ बराबर 4θ होगा। तो इस ग्राफ का तो जो ढाल था वो धारिता थी, और इस ग्राफ का जो ढाल है अपने धारिता का व्युत्क्रम होता है। ढाल के लिए y अक्ष की राशि में अपने x अक्ष की राशि का भाग देते हैं। तो ये अपना टॉपिक था धारिता, धारिता की निर्भरता। निर्भरता में एक चीज और याद रखने वाली बात, आपने बोल दिया आकार, आकृति, उपस्थिति, माध्यम की उपस्थिति, चालक की उपस्थिति, इन पे निर्भर करती है। धारिता क्यू और वी पे निर्भर नहीं करती। सी बराबर क्यू बटे वी, अगर मैं आवेश को दो गुना करता हूं तो विभव भी दो गुना हो जाएगा। आवेश आधा करता हूं विभव भी आधा हो जाएगा, लेकिन धारिता अपरिवर्तित रहेगी। तो अगर आपको ये कह दे किसी चालक पर आवेश की मात्रा 3 गुना करने पर धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उसका जो उत्तर होगा वो कहेंगे धारिता अपरिवर्तित रहेगी। कारण वो अपने चालक के आकार, आकृति, अन्य माध्यम की उपस्थिति, अन्य चालक की उपस्थिति पर निर्भर करती है, आवेश और विभव पर निर्भर नहीं करती। कारण ये इसका अनुपात है। कहीं आपने न्यूमेरिकल किया उसमें से एक का मान माइनस आ गया, ऋणात्मक मान आ गया, तो वो भी संभव नहीं है। इसका मान सदैव अपने पास क्या होगा, धनात्मक होगा। तो ये अपने धारिता थे। अब अपने एक विलगित गोले की धारिता की गणना करेंगे। अभी अपने चालक की धारिता की बात की, धारिता किन चीजों पर निर्भर करती है इसके बारे में बताया, क्यू और वी का ग्राफ या निरूपण किया धारिता के मात्रक लिए। अब अपने एक विलगित गोले की धारिता की बात करते हैं। विलगित गोला, विलगित शब्द का मतलब होता है जिस पर परिणामी बल शून्य हो। विलगित गोला मतलब है जिसके आसपास कोई और आवेश न हो, किसी अन्य विद्युत क्षेत्र का कोई प्रभाव न हो, तो वो अपने विलगित होता है। तो अपने जैसे मान लेते हैं कि अपने पास एक आर त्रिज्या का गोला है, कैपिटल आर त्रिज्या, और इस पर प्लस क्यू आवेश स्थित है। तो अपने को इसकी धारिता ज्ञात करनी है। पहले अपने इसकी धारिता निर्वात में ज्ञात करेंगे, फिर माध्यम में ज्ञात करेंगे। तो अपने जैसे कह दिया माना गोले की त्रिज्या कैपिटल आर व इस पर क्यू आवेश उपस्थित है। गोले की सतह पर
विद्युत विभव, तो सतह पर विभव का मान होता है के क्यू बटे आर। अब अपने लेते हैं गोले की धारिता, और ये धारिता अपनी निर्वात में ले लेते हैं, तो सी जीरो लिख देते हैं, क्यू बटे वी समीकरण एक से v का मान रखने पर, तो c जीरो बराबर q बटे k q बटे r, ये q कैंसिल हो जाएगा तो c का मान आएगा r बटे k, फिर k अपने पास होते हैं एक बटे चार पाई एप्सिलॉन जीरो, तो ये चार पाई एप्सिलॉन जीरो r आएगा। तो जो धारिता है वो उसकी त्रिज्या के क्या अपनी समानुपाती है, छोटे गोलों की त्रिज्या कम धारिता कम होगी, बड़े गोलों की त्रिज्या ज्यादा है धारिता ज्यादा होगी, तो ज्यादा ऊर्जा संचित करने के लिए अपने बड़े गोले उत्तम रहेंगे, कारण उनकी त्रिज्या ज्यादा धारिता ज्यादा, उनमें ऊर्जा का मान ज्यादा संचित होगा। तो ये तो निर्वात में धारिता थी अपने। अगर अपने सी और आर में ग्राफ बनाए, ये सीधी रेखा प्राप्त होगा। अभी थोड़ी देर पहले अपने बोला था कि जो धारिता है वो क्षेत्रफल पर निर्भर करती है, तो त्रिज्या कम है क्षेत्रफल कम है धारिता कम होगी, त्रिज्या ज्यादा है क्षेत्रफल ज्यादा होगा धारिता का मान अपनी क्या आएगा ज्यादा आएगा। फिर अपने लेते हैं यदि चालक के चारों ओर, यहां पे कह देते हैं गोले चारों ओर माध्यम उपस्थित हो, तो अपने धारिता ही लिखेंगे चार पाई एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन अपने पास है माध्यम की विद्युतशीलता, और एप्सिलॉन की जगह पे लिख सकते हैं एप्सिलॉन जीरो एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर को अपने प्राविद्युतांक या अपेक्षित विद्युतशीलता कहते हैं, तो सी एम चार पाई एप्सिलॉन जीरो एप्सिलॉन आर इंटू आर। अपने समीकरण तीन में दो का भाग दें, ये आएगा सी एम बटे सी जीरो चार पाई एप्सिलॉन जीरो एप्सिलॉन आर आर चार पाई एप्सिलॉन जीरो इंटू आर, तो ये एप्सिलॉन आर आएगा। तो जो सी एम का मान है वो सी जीरो एप्सिलॉन आर। तो अन्य माध्यम की उपस्थिति में धारिता निर्वात की तुलना में एप्सिलॉन आर गुना ज्यादा होती है, अगर इसको अपने कथन के रूप में लिखे, अतः अन्य माध्यम की उपस्थिति में धारिता निर्वात की तुलना में एप्सिलॉन आर गुना अधिक होती है। ये अपने एक विलगित गोले के लिए निर्वात में और माध्यम में धारिता है। अब जैसे अपने पृथ्वी को विलगित गोला मान लें, त्रिज्या 6400 किलोमीटर है, उसके लिए अगर इस सूत्र से गणना करें, जैसे अपने क्वेश्चन ले लें, पृथ्वी को विलगित गोला मानते हुए धारिता ज्ञात कीजिए, पृथ्वी की त्रिज्या अपने 6400 किलोमीटर है, तो अपने को आर दे दिया 6400 किलोमीटर 6.4 गुना 10 के घात 6 मीटर होगा। तो अपने सूत्र अगर आर बटे के से हल करें, 6.4 गुना 10 के घात 6, 9 गुना 10 के घात 9,
इसे अगर अपने हल करेंगे तो मान आएगा 0.711 × 10³⁻³ फैरड, या इसे लिख सकते हैं 711 × 10³⁶ फैरड। 10³ जो -6 है वो माइक्रो के बराबर होता है, तो 711 माइक्रो फैरड। तो पृथ्वी इतना बड़ा गोला है फिर भी इसकी धारिता माइक्रो फैरड में आई है। थोड़ी देर पहले हम ये चीज बोल रहे थे भी फैरड अपने मात्रक नहीं ले सकते, फैरड बहुत बड़ा मात्रक है। तो इतना बड़े आकार या इतना बड़ा क्षेत्रफल होने के बावजूद भी अपने पास धारिता माइक्रो में आ रही है। तो ये पृथ्वी को विलगित गोला मानते हुए उसकी धारिता का मान 711 माइक्रो फैरड है। फिर अगर अपने बात करें संदर्भ बिंदु के आधार पर, पृथ्वी का विभव जीरो होता है और इसके जो धारिता है क्यू बटे वी क्यू बटे जीरो, तो ये अनंत हो। अगर अपने मूल्यांकन के तौर पर देखें, डेली लाइफ में देखें, तो पूरे विश्व के अंदर कहीं ना कहीं थंडरस्टॉर्म होता है, बिजली गिरती है, आकाश से बिजली गिरती है। और एक बार जब आकाश से बिजली नीचे की ओर गिरती है पृथ्वी पर आती है तो उसमें आवेश की मात्रा बहुत ज्यादा होती है और पृथ्वी उस आवेश को ग्रहण करती है। तो पूरे विश्व के अंदर कहीं ना कहीं थंडरस्टॉर्म हो रहा है, आकाश से बिजली पृथ्वी पर गिर रही है, उस दौरान पृथ्वी की धारिता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो उतनी की उतनी रहती है। कारण पृथ्वी के आवेश ग्रहण करने की जो क्षमता है वो अनंत है। संदर्भ बिंदु के आधार पे अपने कहते हैं उसका विभव शून्य है, धारिता अपने अनंत, उसको कितना मर्जी आवेश दे दें वो उस आवेश को क्या करती रहेगी, ग्रहण करती रहेगी। तो ये संदर्भ बिंदु के आधार पर पृथ्वी की धारिता है। फिर अपने एक फैरड की परिभाषा लें, अपने धारिता लिखा सी बराबर क्यू बटे वी, इसमें ये लिख दें यदि Q बराबर एक कूलाम व V बराबर एक वोल्ट हो तो C बराबर एक फैरड हो। तो कथन में अपने लिखे अर्थात चालक या पदार्थ को एक कूलाम आवेश देने पर विभव में वृद्धि एक वोल्ट हो तो चालक या पदार्थ की धारिता एक फैरड होगी। ये अपने एक फैरड धारिता के लिए अपने ले लेते हैं, एक फैरड धारिता लेनी है तो एक कूलाम आवेश देने पर अगर विभव में परिवर्तन एक वोल्ट है तो धारिता अपनी एक फैरड होगी।